स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम लेकर आते हैं खेती किसानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय, और उन विषयों से संबंधित आपके पास जो भी सवाल होते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं एक फोन कॉल के जरिए। तो फिर आइए, आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय है वो आपको बता देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा चारा फसलों की खेती और कपास फसल प्रबंधन। जी हाँ, चारा फसलों की खेती और कपास फसल प्रबंधन, ये आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है। और इस विषय से संबंधित आपके पास जो भी सवाल हैं, जो भी आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं और जो भी सुझाव चाहिए आपको, उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113-060 और 1800-113-061। एक बार आपके लिए दोहरा देते हैं, 1800-113-060 और 1800-113-061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं जिस पर आप अगले एक घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए आपका परिचय करवा देते हैं उनसे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर एस बाना, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस एस सिवाच, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कपास अनुभाग में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय हमने आपको बता दिया है चारा फसलों की खेती और कपास फसल प्रबंधन। टोल फ्री नंबर के बारे में भी जानकारी आपको दे दी है और वो लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी होते रहेंगे। अगर बाय चांस आप शुरुआत में ये नहीं, आप अगर भूल जाते हैं कि मैंने जो नंबर बताए हैं, तो वो लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी होते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी आपका परिचय करवा दिया है। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम यहाँ पर बात करेंगे कपास के बारे में। तो डॉक्टर सिवाज, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कपास की जो खेती है वो हमारे देश में कहाँ कहाँ की जाती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, कपास की खेती के हिसाब से जो है हमारा जो देश है इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है, उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है, और मध्य भारत की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो है कुछ हिस्सा जो राजस्थान का, जो कि गुजरात और अहमदाबाद के पास लगता है, वो बांसवाड़ा का जो है वो आता है। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है जी। तो ये हमारे जो राज्य हैं जिनमें के कपास की मुख्य रूप से खेती की जाती है। तो ये है हमारे कुछ मुख्य कपास उत्पादक राज्य जी। बिल्कुल। तो देखिए कहाँ कहाँ पर हमारे देश में कपास की खेती की जाती है, इसके बारे में अभी हमने जानकारी ले ली है और भी विस्तार से जानकारी लेंगे हम हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। व्यावसायिक रूप से यह श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। कपास की खेती के लिए दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, देसी और अमेरिकन प्रजातियां। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी करें। जरूरत पड़ने पर दोबारा पलेवा करके देसी हल या कल्टीवेटर से 3-4 जुताई करके खेत को अच्छी तरह से भुरभुरा बना लें और उसके बाद बुवाई करें। कपास की बुवाई का समय प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है। तो अभी आपने देखी कपास की खेती पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं चारा फसलों के बारे में। तो डॉक्टर बाना, आपसे जानना चाहेंगे कि खरीफ का सीजन चल रहा है, तो ऐसे मौसम में चारे के लिए कौन कौन सी फसलें उपयुक्त रहती हैं, इसके बारे में बताएं। चारे के लिए हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिनमें वानस्पतिक वृद्धि अच्छी हो, और दूसरा उनको खाने से पशुओं में एक तो सुपाच्य हो, वो पाचन सही हो और दुग्ध उत्पादन बढ़े। तो ऐसी फसलों में नाम आता है ज्वार, बाजरा, मक्का, मकचरी और दलहन वर्गीय फसलों में अगर हम बात करें चारे की, तो लोबिया एक ऐसी फसल है। इसके अलावा ग्वार भी एक ऐसी फसल है जिनमें वानस्पतिक वृद्धि भी अच्छी होती है और उनकी जो चारे की गुणवत्ता होती है वो भी एक ऐसी होती है जो पशुओं को प्रोटीन भी ठीक देती है और पशुओं के लिए सही से उनमें पाचन भी हो जाता है।
तो ये चारे की प्रमुख फसलें हैं जो खरीफ के मौसम में हम ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार, लोबिया आदि ये कुछ मुख्य चारा फसलें हैं जिनकी खेती आप लोग खरीफ के सीजन में कर सकते हैं। इनकी खेती आप कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार इसकी अच्छी उपज जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आजकल पशुधन की संख्या में यह देश विश्व में अग्रणी है। भारत में पशुधन का विकास 0.55% प्रतिवर्ष की दर से हो रहा है तथा वर्ष 2050 तक इसकी संख्या लगभग 781 मिलियन होने का अनुमान है। परंतु उत्पादकता की दृष्टि से यहाँ के पशुओं की औसत उत्पादकता विश्व की औसत उत्पादकता का 20-50% ही है, जो विश्व की तुलना में काफी कम है। इसके प्रमुख कारणों में पशुओं का अनुचित पोषण, रखरखाव, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा एवं प्रबंधन है। चारा आपूर्ति में कमी के कारण इनकी उत्पादकता का पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयास द्वारा चारा उत्पादन की नवीन तकनीकियों का विकास हुआ है, परंतु इन तकनीकियों का पशुपालकों तक पहुंच की कमी के कारण इनका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन चारा उत्पादन तकनीकियों को पशुपालकों तक पहुंचाकर एवं अपनाकर पशुधन की उत्पादकता के साथ ही पशु स्वास्थ्य को भी सुधारा जा सकता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी चारा उत्पादन तकनीकियों द्वारा अनुसंधान के नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो अभी आपने देखी चारा फसलों की खेती पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर बाना, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने जानकारी दी कि कौन कौन सी जो खरीफ सीजन में फसलें हैं, चारा फसलें हैं, वो उपयुक्त रहती हैं खेती के लिए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय किन किन की बुआई की जा सकती है। इस समय हालांकि जुलाई का अंत आने वाला है, 19 जुलाई हो गई है, पर फिर भी देरी से बोया जा सकता है। उसमें ज्वार की कुछ किस्में हैं और मक्का भी लगाई जा सकती है, बाजरा भी लगाया जा सकता है, तो अभी काफ़ी समय है आपके पास। और यदि आपको अच्छा गुणवत्ता युक्त चारा देना हो तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हमने अनुसंधान किए हैं, उनमें पाया है कि दलहन वर्गीय चारे वाली फसलों का अंतः फसलीकरण करना चाहिए ज्वार या बाजरा के साथ या मक्का के साथ। उससे एक तो चारे की पौष्टिकता बढ़ती है और चारे का जो उत्पादन होता है वो भी हरा चारा अधिक मात्रा में मिलता है, तो ये फसलें लगा सकते हैं। किस्मों की अगर हम बात करें तो ज्वार में PCH 106, PCH 109, पूसा चरी 615, ये मल्टीकट किस्में हैं। इसके अलावा जवाहर चरी 69, ये भी एक मल्टीकट किस्म है ज्वार की, जिसकी हम 2-3 बार या कई बार 4 बार तक कटाई कर सकते हैं यदि सही से प्रबंधन करें तो। इसके अलावा बाजरा भी ले सकते हैं, जैसे AVKB 19, AVKB 2, राज बाजरा चरी 2 आदि किस्में हैं बाजरे की जो अभी लगा सकते हैं, अभी भी समय है। और AVKB 19 तो ऐसी किस्म है जो द्विप्रयोजनीय है, आप उसको चारे के लिए भी ले सकते हैं और दाने के लिए भी ले सकते हैं। मक्का की बात करें तो अफ्रीकन टाल एक पुरानी किस्म है जो अभी भी अच्छे से चल रही है मक्का में, वो ले सकते हैं, या J 1006 या प्रताप मक्का चरी 6, ये किस्में लगा सकते हैं। तो अभी समय है आराम से लगाने का। जी बिल्कुल, तो देखिए कौन कौन सी फसलों की बुआई कर सकते हैं और साथ ही साथ उनकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, अभी आपने विस्तार से इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कपास के बारे में। तो डॉक्टर सिवाज, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अभी तक हमारे देश में बुआई जो है कपास की वो लगभग पूरी हो चुकी है पूरे क्षेत्र में, तो हम जानना चाहेंगे पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो किस प्रकार करें हमारे किसान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है फसलों की गुणवत्ता के लिए। देखिए ऐसा है कि जैसे कि उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में जो ज़्यादातर फसल जो है वो तकरीबन 60 दिन के आसपास की हो चुकी है जी। तो जो संकर किस्में जो बोई जाती हैं ज़्यादातर, जिसको BT कपास हम कहते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है किसान भाइयों को उस पर ध्यान देखना चाहिए कि अगर पानी बारिश हुई है और खेत में इतना मॉइस्चर है आपके, तो उसके अंदर जो है आप जो खाद की मात्रा जो बची हुई मात्रा है 1/3 जो मात्रा है वो आप इस वक्त डाल सकते हैं। और इसको जो है डालने के लिए आप पौधे की जड़ के पास थोड़ा देर से टच ना हो, जो उसके छुए ना, उसे दूर डाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम मध्य भारत की बात करें जहाँ पे बिजाई अभी हुई होगी,
क्योंकि मध्य भारत में बिजाई ज़्यादा जून में के आसपास होती है, तो उसमें अभी पिछली जो खाद है वो बिजाई के समय जो डाल दी किसान भाइयों ने वो डाल दें। अगर किसी कारण वो नहीं डाली है तो सबसे पहली बात यह है कि वो किसान भाई ये देखें कि आगे जब फलें आएँ उसमें टिंडे फूल आने शुरू हों तो उस वक्त उसमें वो खाद डालें। परंतु एक मैं किसान भाइयों को बात ये कहना चाहता हूँ कि खाद की जो मात्रा है जी, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपके खेत में पोषक तत्व पहले कितने हैं, क्योंकि बिना मिट्टी की जांच के आप जो है खाद ना डालें। मिट्टी की जांच करवाने के बाद आवश्यकता अनुसार ही उसमें खाद डाली जाए। जी, अगर खाद आवश्यकता अनुसार डाली जाती है तो फसलें जो हैं वो स्वस्थ रहती हैं और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन जो है वो भी मिलता है। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से लाल जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, बाजरा हम करें, बाजरा की खेती करना चाहते हैं आप? हाँ जी जी। मध्य प्रदेश में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उज्जैन जिले से। जी, बाजरा की खेती करना चाहते हैं? अरे उज्जैन जिले से, हाँ बाजरा की। जी जी जी, बाजरा की खेती मध्य प्रदेश में आप कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और साथ में जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये बहुत ही अच्छा बाजरा उत्पादक क्षेत्र है। बल्कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र और गुजरात का क्षेत्र है उसमें तो गर्मियों में भी बाजरे की फसल ली जाती है जी। तो आप मध्य प्रदेश के क्षेत्र में GHB 558 एक किस्म है हमारी, हाइब्रिड है, तो वो ले सकते हैं, कम अवधि की फसल है और अभी भी बुआई में उसमें देरी नहीं हुई है, ली जा सकती है। उसके लिए आपको 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करना है, और यदि आप, क्योंकि हाइब्रिड है बीज उपचारित होके आती है तो उसमें बीज उपचार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो उस दशा में बीज उपचार करके फिर बुआई करें तो मेरे ख्याल से ये अच्छा बाजरा अभी भी ले सकते हैं दाने के लिए। चारे के लिए अगर आपको बाजरा लगाना है तो उस दशा में आपको AVKB 19, AVKB 2 या पूसा चरी बाजरा 164 है या राज बाजरा चरी 2 है, ये किस्में आप लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। जी बिल्कुल, तो देखिए बाजरे के लिए आप कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं अभी आपने जानकारी हासिल कर ली है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, हरियाणा हिसार से उदय वीर जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारा फ्लड वाला एरिया है जी, ये फ्लड वाला एरिया हमारा जी, तो यहाँ पे चारे की फसल हमारी कोई नहीं होती। इसमें कोई ऐसी चारे की फसल हो जो हम उगास के, धान का एरिया है टोटल जी, धान की उपज जो है वो ज्यादातर ली जाती है, चारे की फसल का चयन करना चाहते हैं अभी। अच्छा, चारे की फसल में आप उसमें धान की जहाँ पे लेते हैं उस खेत में आपको मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि पानी भरता है तो उस दशा में जो मेड़ बनाकर खेती करते हैं वैसे कर सकते हैं, और उसमें ज्वार लगा सकते हैं आप, क्योंकि ज्वार मक्का थोड़ी पानी भरने से ज़्यादा संवेदनशील है, पर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ज्वार ऐसे खेतों में जहाँ पे पानी भरता है वहाँ पे यदि थोड़ा जल निकास का प्रबंधन कर दें तो ज्वार ले सकते हैं, और उसके लिए मेड़ों पर ज्वार लगाएं, जो जिसको बंड बोलते हैं, बंड पे आप ज्वार लगाते हैं तो उस दशा में लगा सकते हैं। अगर पानी नहीं भरता है तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई भी आप मक्का या बाजरा लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, आप कोई भी फसल ले सकते हैं जी, कोई भी फसल आप ले सकते हैं और उसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, महाराष्ट्र से प्रकाश पाटिल जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? ऐसे बीटी किस्म की जो फसल बताई है वो बैंगन वगैरह को अपायकारक बताई है, तो कपास की जो खली है वो पशुओं का अपायकारक नहीं है क्या? जी अपना प्रश्न एक बार जी, कपास की खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं, एक बार अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। हाँ हाँ, वही कपास की बीटी किस्म की कपास की जो खली है वो पशुओं को अपायकारक नहीं है क्या?
जी हाँ, नहीं पशुओं को खिला सकते हैं क्या कपास की जो खली है, वो जानना चाहते हैं। देखिए मैं इन किसान भाई को भी और दूसरे किसान भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि बीटी कपास की जितनी भी किस्में जो भारत सरकार ने सिफारिश की है इनका सबका एक बहुत अच्छी तरह से टेस्ट किया गया है और ये टेस्ट पशुओं पे भी और मनुष्यों पे भी और जिसमें खली भी आ गई बीच में चारा खिला के भी किया गया है। और जब तक ये देखा गया है कि जब तक कोई इसका नेगेटिव में कोई प्रभाव ना आए जब भी इसकी सिफारिश की गई है और अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जो इसकी खली खिलाने से पशुओं में कोई समस्या आती है, क्योंकि जितने भी ये रिजल्ट्स हैं जितने भी ये ट्रायल्स किए गए हैं ये सब जो हैं उपलब्ध हैं और भारत सरकार इन रिजल्ट्स पे गौर करके ट्रायल्स के रिजल्ट पे गौर करके और इनका जहाँ जहाँ पशुओं पे जहाँ जहाँ खली खिलाई जाती है या दूसरा चारा खिलाया जाता है उस पर इनका पूरे परिणाम देख के प्रयोग करके उसके बाद ही इनकी सिफारिश की गई है। जी बिल्कुल, तो देखिए आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका है और ऐसे ही आपके प्रश्नों के लगातार जवाब हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों हम चर्चा कर रहे हैं चारा फसलों की खेती और कपास फसल प्रबंधन के बारे में। अगर आपके पास भी इस विषय से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113-060 और 1800-113-061 पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद। तो आइए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन से राज यादव जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? कपास के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ जी जी, क्या प्रश्न है आपका? कपास के बारे में बता सकते हैं क्या जी? बड़े अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। हाँ जी, ये पशुओं को खिला सकते हैं जी? पशुओं को खिला सकते हैं जी बिल्कुल। अभी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इससे पहला प्रश्न का जवाब भी यही दिया था। आपसे जानना चाहूंगी आपने कौन सा किस्म लगाया हुआ है? लगता है संपर्क जो है वो टूट गया है। बताइए डॉक्टर सिवाज, क्या कपास खिलाई जा सकती है, कपास की खली जो है? कपास की खली खिलाई जाती है, जैसे पिछले भी मैंने पिछले किसान भाई ने जो सवाल पूछा था उसके बारे में जवाब ये दिया था कि ऐसा कोई नहीं है नकारात्मक प्रभाव जो है कहीं अभी ऐसा नहीं देखा गया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी किस्म नई सिफारिश की जाती है और खासकर बीटी कपास की तो बड़े ही व्यापक स्तर पे जो है इनके ट्रायल्स किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स देखी गई हैं, उसके बाद जब उसमें सेफ जो चीज़ मिली है जो सुरक्षित मिली है पशुओं के हिसाब से भी और मनुष्यों के हिसाब से भी तभी इसकी सिफारिश की गई है। जी बिल्कुल, तो देखिए पशुओं को भी खिलाई जा सकती है कपास की खली, ये कहना है हमारे विशेषज्ञ का। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं चारा फसलों के बारे में। तो डॉक्टर बाना आपसे जानना चाहेंगे कि जो हरे चारे की फसलें बताई हैं आपने, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, तो इनमें पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो किस प्रकार किया जाए? जी, जो भी चारा फसलें हैं उनमें चूँकि हमें वनस्पतिक वृद्धि अच्छी चाहिए और ये एक थोड़ी कोमल रहे, सुपाच्य रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी नाइट्रोजन की मात्रा अधिक दी जाए। तो अगर हम ज्वार, बाजरा और मक्का की बात करें तो मिट्टी की जांच कराना तो जरूरी है ही संतुलित पोषण देने के लिए, पर अगर मिट्टी की जांच नहीं भी करा रखी है तो उस दशा में 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन बुआई से पूर्व देनी चाहिए और साथ में फास्फोरस 40 किलोग्राम और 30 से 40 किलोग्राम पोटास अवश्य देनी चाहिए जी। फिर बाद में जैसे ही फसल 35 से 40 दिन के आसपास की हो जाए तो 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन बाजरा और मक्का में देनी चाहिए और ज्वार की अगर सिंगल कट किस्म है तो उसमें भी दे देनी चाहिए। अगर मल्टी कट किस्म है ज्वार की तो हर कटाई के बाद 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन
कटाई करने के बाद डाल दें, और अगर बरसात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध हो तो उस दशा में सिंचाई कर देनी चाहिए जी। ये जो ग्वार और लोबिया जैसी दलहन वर्गीय फसलें हैं, इनमें 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन बुआई से पूर्व, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम ही पोटास देके बुआई से पूर्व ही देनी चाहिए। अगर बुआई कर दी है तो उस दशा में अब इनको कोई अतिरिक्त खुराक देने की आवश्यकता नहीं है जी। बिल्कुल, तो देखिए पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में अभी आपने जानकारी हासिल कर ली है। बढ़ते हैं आगे, एक और एक जो कॉलर है वो जुड़ गए हमारे साथ, महाराष्ट्र से वासुदेव जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हमने अभी कपास की लगाई है, वो कपास की ज्यादा बढ़ नहीं रही, यहाँ का पानी खरा है जी। आपने कपास लगाई है? हाँ अभी लगाई है जी। जल भराया है जो खेत है उनमें, उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए कपास की फसल जो है ये जल भराव के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, तो इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम सबसे पहले सिफारिश ये करते हैं कपास की खेती वहाँ ना की जाए जहाँ जल भराव की समस्या हो। तो इसलिए मैं किसान भाई से ये कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके जल निकासी का प्रबंध किया जाए, नहीं तो जो है कपास फसल जो है ये बीमारी की चपेट में भी आ सकती है और वैसे भी जल सकती है जी। बिल्कुल, तो क्या सावधानी बरतनी है आपको इसके बारे में अभी आपको पता चल गया है। एक और कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, राजगढ़ से धर्मचंद जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हेलो हेलो मैडम, मैंने 2 पैकेट कपास लगाया है जी, तो हमारे इधर बारिश हुई थी 5 जून को। तो हेलो जी जी पूछिए। हेलो 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 10 जून को कपास लगाया जी, बताइए। 10 जून को कपास लगाया था, उसके बाद 10 जुलाई को पानी आया तो 50% कपास निकला है और 50% नहीं निकला है जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए जी, बताइए डॉक्टर सिवाज। नहीं क्या कहें, 10 जुलाई को पानी आया है, 10 जुलाई को पानी आया है, कहीं कहीं वो जो फूल है वो निकले हैं और कहीं नहीं है। नहीं, ये थोड़ा सा आप एक बार जो है उसको देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कुछ जगह क्या है कि आपके बीज में कोई मिक्सर तो नहीं है, एक ये देखने वाली बात है। तो आप एक बार जो बीज आपने जहाँ से लिया है उस बीज की एक बार जाँच करवा लीजिए, क्योंकि खेत में अगर आपने एक ही किस्म की बिजाई की है तो उसमें जो फूल आने हैं वो एक समय में आने चाहिए, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, परंतु आप जिस तरह कह रहे कुछ में फूल आए हैं कुछ में नहीं आए हैं, तो ये थोड़ा सा एक चर्चा का विषय है, और इसकी जो है आप जो है जिनसे आपने बीज लिया है उनको एक बार दिखा के चेक करवा लीजिए आप उनको कि किस कारण जो है काफ़ी बीज जो है जो उसमें मिश्रण तो नहीं है और किस कारण ये समस्या आई है जी। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, उत्तराखंड से अमरीश जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो हाँ जी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी चारे के लिए इन्होंने उर्वरक बताया है जी। हेलो, उर्वरक की मात्रा पूछना चाहता हूँ, एकड़ की बताई है या एक हेक्टर की बताई है, और दोबारा से बता दें। जो उर्वरक हम सिफारिश करते हैं वो सामान्य तौर पे हम प्रति हेक्टेयर बताते हैं, तो ये जो हमने उर्वरक की मात्रा बताई है 40 से 50 किलोग्राम या 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर, उसके अलावा 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम ही पोटास प्रति हेक्टर आपको डालना है। जो चारे की बाजरा मक्का और जो ज्वार की सिंगल कट किस्में हैं उनके लिए, तो ये प्रति हेक्टेयर है जो भी हमने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको वो जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कपास के बारे में। डॉक्टर सिवाज, आपसे जानना चाहेंगे, मानसून का समय चल रहा है, बुआई हो चुकी है कपास की, तो ऐसे में क्या क्या मुख्य सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत है हमारे किसानों को? सबसे पहले तो सावधानी यही है कि खेत के अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें जी, और पानी जो है निकासी एक सबसे बड़ी जो है इस वक्त जो है सावधानी है, क्योंकि
मान लीजिए अगर खेत में पानी खड़ा हो गया है किसी कारण से और धूप तेज़ निकल आती है तो पत्ते फसल जो है झुलस जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बादल भी छाए हुए हैं तो उसमें कुछ बीमारियां भी आ सकती हैं। तो सबसे मुख्य जो इस वक्त सावधानी है वो है कि खेत में पानी इकट्ठा ना होना दिया जाए, पानी का निकासी का उचित प्रबंधन किया जाए। जी, जल निकासी जो है वो सबसे मुख्य सावधानी है जो बरतने की जरूरत है किसानों को। और कोई मुख्य सावधानी हो? मुख्य सावधानी दूसरी ये है कि इस वक्त जो है ये देखा जाए कि फसल में जब आप जा रहे हैं तो ये देखें कोई बीमारी या कोई कीट ऐसा ना हो, उसके बारे में थोड़ी सावधानी रखिए। क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और उसमें जो है बादल छाए रहते हैं तो कई बार बीमारियां आ जाती हैं जी, या फिर कुछ कीट जो है उनका आक्रमण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जी। तो ये थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए जी। और इसके लिए ये है कि आप अपने खेत में जो है निरंतर जाते रहें और उसको फसल को निरंतर उसका देखते रहें, जब ये चीज़ जो है काबू में आ सकती है। जी बिल्कुल। तो देखिए कौन कौन सी मुख्य सावधानियां बरतनी है आपको, अभी आप हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ यतीश जी मध्य प्रदेश से, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, हम लोग गर्मी में जो हरी चारा लगाते हैं ना, जो लेमन ग्रास बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, तो उसको क्या बारिश में लगा सकते हैं अभी इस समय में? जी कौन सी फसल की बात कर रहे हैं आप? लेमन ग्रास, हरा चारा। हाँ, बारिश के मौसम में भी आप ले सकते हैं। जो बहुवर्षीय घास वाली फसलें हैं वो बरसात के मौसम में ज्यादा अच्छे से हो सकती है। तो आपके क्षेत्र के लिए जो भी उपयुक्त जो बहुवर्षीय घास है, आप जैसे कह रहे हैं कि लेमन ग्रास लगा सकते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। लेमन ग्रास, हाथी घास, ये बरसात के मौसम में और भी ज्यादा उत्पादन देती है, अच्छे से इनकी वृद्धि होती है, तो आराम से इनको लिया जा सकता है। इसके अलावा एक वर्षीय फसलें भी आप चारे के लिए ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप इसकी खेती बरसात के मौसम में भी कर सकते हैं, ये कहना है हमारे विशेषज्ञ का। बढ़ते हैं आगे और एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ मध्य प्रदेश से, बलराम जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो। हेलो, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए पहले आप, फिर अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ मैडम जी, कपास में सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा चल रहा है मैडम जी, तो सफेद मक्खी का प्रकोप है, उसका निवारण चाहते हैं आप? जी मैडम। जी बिल्कुल, बताएं डॉक्टर सिवाच, सफेद मक्खी का प्रकोप है। हाँ देखिए, सफेद मक्खी जो है एक बड़ी उभरती हुई समस्या है। और सबसे पहले तो मैं किसान भाई को एक बात कहना चाहूँगा कि एक अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग ना करें दवाई जो है, क्योंकि सफ़ेद मक्खी में हमने ये देखा है कि अगर हम कीटनाशकों का मिश्रण करें या अंधाधुंध कीटनाशक करें तो उससे प्रकोप बढ़ता है, कम नहीं होता, काबू में नहीं आता। तो जो नीम बेस्ड दवाइयाँ मिलती हैं, नीम आधारित होती हैं दवाइयाँ, उन दवाइयों का प्रयोग करके आप इस पर काबू पा सकते हैं। परंतु फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक तो देखा देखी और एक मिश्रण, ये कभी भी सफ़ेद मक्खी में के प्रयोग के लिए इस्तेमाल ना करें। किसी को देख करके, किसी को देख के अंधाधुंध करके दवाई नहीं करें। का इस्तेमाल किया है, हाँ, वही दवाई आप अपने खेतों हाँ, में इस्तेमाल ना करें। हाँ, सफेद जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दे दी है। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आगे भी आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन के साथ। पर किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं चारा फसलों की खेती के बारे में, और साथ ही साथ कपास फसल प्रबंधन के बारे में भी आज हम बातचीत कर रहे हैं। और इस विषय से संबंधित आपके पास जो भी सवाल हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, जो लगातार हमारी टीवी जो स्क्रीन है उस पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं हमारे विशेषज्ञ।
तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ गंगानगर से बलविंदर जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? मैडम मेरा प्रश्न ये है कि हमने बेटी नर्मा की बुआई कर रखी है गंगानगर में जी, तो उसके अंदर जड़ गलन की समस्या आ रही है नर्मा के अंदर जी, जड़ गलन की समस्या आ रही है। तो हमने जो आपके स्पेशलिस्ट बताते हैं ना, जो दवाई डालते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है जी और जो ये कार्बेंडिज्म है, वो हमने सारी डाल के देख ली फिर भी वो रुक नहीं रही है जी। बिल्कुल बताए। नहीं देखिए, मैं किसान भाई को एक बात कहना चाहूँगा कि जिस खेत में जड़ गलन की समस्या आ रही है तो किसान भाई को चाहिए कि कम से कम 3 साल उस खेत में कपास की बिजाई ना करें, क्योंकि ये समस्या जब भी काबू आ सकती है उस खेत में अगर उस खेत को ये कपास के लिए इस्तेमाल ना करें। और फिर भी अगर लगाते हैं तो मोठ जो एक फसल होती है उसकी बीच बीच में, अब तो बिजाई कर चुके हैं अभी, अन्यथा जो है बीच बीच में मोठ की को लगा सकते हैं, परंतु फिर भी पहली जो मेरी सलाह है वो यही रहेगी इनको कि ऐसे खेत को कपास के लिए अब ये 3 साल तक कम से कम इस्तेमाल ना करें जी। बिल्कुल, तो 3 साल के लिए अगर आप कपास की खेती उसमें नहीं करेंगे तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं, क्योंकि अगर ये रोग एक बार लग जाता है और आपकी मिट्टी में आ जाते हैं उसके तत्व, तो आपकी कपास की जो फसल है वो बेहतर गुणवत्ता वाली नहीं हो सकती, आपको अच्छी उपज जो है वो नहीं मिल पाएगी, ये कहना है हमारे विशेषज्ञ का। तो बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ उज्जैन से, दशरथ जी आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ मेरी जो ज्वार बोली जी वो नाले जा रही, मतलब ऊपर से सूख रही, जो ग्वार है वो ऊपर से सूख रही है। हाँ ऊपर से सूख रही है, वो 4 इंच की हो गई है करीब, 20 दिन के करीब जी। बताएं, ज्वार बोल रहे हैं या ग्वार बोल रहे हैं? ज्वार ज्वार ग्वार चेरी बाजरा। अच्छा, बाजरा जैसे चेरी आती है, सात कटाव की बोलते हैं वो, ज्वार की बात, ज्वार की बात कर रहे हैं। तो ज्वार में कई बार शुरू में तना मक्खी का प्रकोप हो जाता है, उस वजह से सूख, क्योंकि वो जैसे ही अभी ये बता रहे हैं कि 20 दिन के आसपास की है, तो बाजरे में भी ये देखने में आता है। तो उस दशा में क्या करते हैं कि या तो पहले कार्बोफ्यूरन डाल सकते हैं आप बुआई से पूर्व, क्योंकि अब आ चुकी है तो उस दशा में हालांकि पूर्णतया नियंत्रण होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी नुकसान कर चुकी होगी, पर अगर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है तो आप उस दिशा में कार्बोफ्यूरॉन 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से अभी भी उसमें दानों का भुरकाव कर सकते हैं, ताकि यदि फसल अधिक खराब नहीं हुई है तो उसमें उसका तना मक्खी का प्रकोप रोका जा सके। अगर आपको पौधे कटे हुए दिखते हैं तो यदि और कोई वजह है जैसे कि पानी भरने की वजह से सूखा है तो उसमें जल निकास का प्रबंधन करें। तो खेत में एक सबसे पहले तो आप अच्छे से देखें जी समस्या क्या है, अगर तना मक्खी दिखाई देती है, तना कटा हुआ दिखाई देता है तो उसमें कार्बोफ्यूरॉन का छिड़काव कर दें, बिखेर दें उसमें, और यदि आपको पानी भरने की वजह से है तो उस दशा में आप जल निकास का प्रबंधन करें तो ये सूखने से बचा जा सकता है जी। बिल्कुल, अपनी फसल को सूखने से किस प्रकार आप बचा सकते हैं, अभी आपने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़ गए हैं उज्जैन से ही, सूरज जी आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर जी, सूरज यादव बोल, नमस्कार जी। जी हाँ जी, कपास जी वो जो जड़ा सुपारी जी वो बस हल्की हल्की जी जी, कपास की जड़ा सुपारी जी, कपास की, अरे जड़ा सुपारी, कपास लगाया हमने, कपास लगाया 5-6 बीघा का, सुपर जड़ा सुपारी जी, कपास लगाया हुआ है आपने? हाँ लगाया जी जी। आगे उसके तो, भी क्या समस्या आ रही है? हाँ उनके वो जड़ा सुपारी जी, उनकी उत्ती लग रही जी, कीड़े लग रही है अंदर जी जी, जो कपास की फसल है वो फफूंद के चलते जो है खराब हो गई है, इसके बारे में जी जी इसके बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं किसान भाई से ये पूछना चाहूंगा कि कपास इन्होंने बोई कब थी, आपने कब बुआई की थी? हाँ जी, आपने कब बुआई की थी? अभी जो 5 जून को की थी, अभी जून में की है आपने? हाँ 5 जून जी, 5 जून, 5 जून में। तो फफूंद का क्या आपको प्रभाव दिख रहा है उस पे, आप जो फफूंद कह रहे हैं उस फफूंद का प्रभाव क्या दिख रहा है आपको? हाँ जी, जो कीड़े लग रहे थे अंदर, कीड़े लग गए हैं। हाँ नहीं, कीड़े लग गए हैं तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कीड़ा, अब कौन सा कीड़ा लगा है इस वक्त, ज्यादातर ये रस चूसने वाले कीड़े लगते हैं जी जी। रस चूसने वाले बाली, हाँ तो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए जो कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो सबसे मैं आपको ये बताऊंगा, आप जो है नज़दीकी जो कृषि विशेषज्ञ हैं आपके, उनको एक बार अपना पौधा दिखा लें, पत्ते दिखा लें, क्योंकि उसके हिसाब से ही फिर आप उसमें दवाई का छिड़काव करें।
दो चीज़ें हैं, एक तो जो है शुष्क खेती होती है, एक हमारी जो है सिंचित खेती होती है। तो कुछ कई बार जो है दवाई की मात्रा भी उससे फ़र्क पड़ता है, दूसरे कीड़ों की मात्रा भी। ऐसा ना हो कि कीड़े इतने ना हो कि आप ही फसल को कुछ नुकसान करें और आप उस पर दवाई छिड़क दें जी। तो जब तक आप देखें उसमें आर्थिक कगार उनका है, उपलब्ध है, आर्थिक कगार उन्होंने पार किया है, उसके बाद ही उसमें दवाई का छिड़काव करें। जो रस चूसने वाले कीड़े की जो है दवाइयाँ हैं वो उससे काबू आ जाएगा, परंतु अगर आप इतनी जल्दी ही दवाइयों पर चले जाएंगे तो मुश्किल है कि आगे आपको फसल बहुत अच्छी मिल सके। तो कोशिश ये करिए कि इस वक्त निराई गुड़ाई करें, और फिर भी आप एक बार जो है फसल का जो पत्ता है या पौधा है वो निकाल के और किसी नज़दीकी किसी विशेषज्ञ को आप दिखा दें। जी बिल्कुल। तो देखिए दवाइयाँ तो उपलब्ध हैं, पर इतनी जल्दी अगर दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए तो उसका असर जो है हमारे पौधों पर बुरा पड़ सकता है। तो ऐसे में हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि निराई गुड़ाई कर सकते हैं, और पत्ते को अगर आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में दिखा दें किसी विशेषज्ञ को, तो वो आपको बेहतर सलाह जो है वो दे पाएंगे। बिल्कुल, ऐसी ही जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे ताकि आपको और भी लाभ जो है वो मिल सके, आपकी फसलों की उपज जो है वो अच्छी हो सके। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव ऑन एन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है चारा फसलों की खेती और कपास फसल प्रबंधन, और लगातार हमारे जो कॉलर्स हैं हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर अपने सवाल पूछ रहे हैं, और हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आपके पास भी कोई सवाल है इस विषय से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ। बढ़ते हैं आगे, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ महाराष्ट्र से गोविंद जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, राम राम सर जी, स्वागत है आपका, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? तो मेरा प्रश्न एक है, ये है भाई कि मेरी मिश्रित खेती है, उसमें उड़द वो है और कपास नहीं, और अभी खाद का प्रबंधन, पहले तो बुआई के समय खाद दी हुई थी जी, अभी खाद का प्रबंधन कैसे करें और फवारे में कौन सी दवाई पहले फवारे में इस्तेमाल करें, ये जानना चाहता हूँ जी। जी बिल्कुल, कपास के साथ उड़द लगा दी है इन्होंने। देखिए मैं सबसे पहले जो मैंने पहले भी एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी कि किसान भाई के पास जो है जो हमारी आज सरकार की स्कीम है सॉयल हेल्थ कार्ड की, वो उपलब्ध होगा तो उसके बेस पे ये देखें, उसके आधार पे ये देखें कि खाद की उनको कितनी मात्रा की ज़रूरत है जी। और सबसे संकर किस्म इन्होंने बोई है तो हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश में से जो नाइट्रोजन है उसकी एक तिहाई मात्रा तो इन्होंने बिजाई पे डाल दी होगी, फास्फोरस और पोटाश भी डाल दिया होगा। तो अब जो फसल की अवस्था है उसको देखते हुए और खेत में जो है पानी की नमी है उसको देखते हुए एक तिहाई जो मात्रा बाकी बची है, दो एक तिहाई पहले डाल दी, एक तिहाई जो है वो अब डाल सकते हैं नाइट्रोजन की मात्रा इस वक्त, परंतु उस वक्त खेत के अंदर जो है वो नमी होनी चाहिए ताकि वो पौधे जो हैं उस खाद का फ़ायदा उठा सके। जी बिल्कुल। तो देखिए आप सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी मिट्टी की जांच करवा लें, जिससे आपको पोषक तत्वों के बारे में जानकारी हो जाए, और उसके हिसाब से अगर आप खाद का इस्तेमाल करें, खाद का प्रबंधन करें, तो वो आपकी फसलों के लिए और भी अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, साइना जी आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, कपास की फसल के बारे में का सवाल पूछना चाहता हूँ जी। तो पहले हमने रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव किया हुआ है जी, तो अभी निम्बुलिहार का हम छिड़काव कर सकते हैं क्या, कोई साइड इफेक्ट होगा? आपने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया हुआ है? हाँ जी हाँ जी, तो अभी वो नीम का अर्क का अगर छिड़काव करें तो लेपित यूरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं?
ये जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी जी, बिल्कुल जी। नीम लेपित यूरिया ही आ रहा है अब, जो भी यूरिया बाजार में उपलब्ध है वो सारा का सारा नीम लेपित यूरिया है। अगर आपके पास भी नीम लेपित यूरिया है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम लेपित यूरिया के कई सारे फायदे हैं, उसमें सबसे पहला तो यही है कि जो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता है, यानी कि आप जितनी नाइट्रोजन खेत में डालते थे वो काफ़ी सारी उसमें से बहकर चली जाती थी या उड़ जाती थी या जमीन में गहराई तक चली जाती थी, तो वो जो नुकसान है वो उसमें कम होता है, धीरे धीरे रिलीज होती है वो, और पौधों को लंबे समय तक मिलती रहती है, जिससे कि जो भी आप फसल लगाते हैं उसको दीर्घकाल तक नाइट्रोजन उपलब्ध होने से फसल की वृद्धि अच्छी होती है। तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छे से काम में लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी फसलों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सिरसा से धनवीर जी, आइए उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? जी, कपास के अंदर सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा है जी। जी, सफेद मक्खी का प्रकोप है, कब बोई थी आपने कपास? मई में जी। मई में आपने बोई थी कपास और उसमें सफेद मक्खी का प्रकोप है, डॉक्टर सिवाज। मैं सबसे पहले तो किसान भाई से ये पूछना चाहूंगा कि कौन से गांव से हैं? डोलपालिया से जी। अच्छा, देखिए एक तो चीज़ ये है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो रास्ते के साथ जो पौधे होते हैं या जो सड़क के साथ जो पौधे होते हैं या डोल के साथ जो पौधे होते हैं, मेड़ के साथ जो पौधे होते हैं, उनमें जो है सफ़ेद मक्खी का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो एक तो मैं किसान भाई को ये कहना चाहूँगा कि आप पहले एक बार पूरा खेत देखें, अंदर जाके देखें, अगर वो आर्थिक कगार के ऊपर है तो फिर ही आप जो है छिड़काव की बात करें, और उसके लिए नीम की जो है दवाई, कोई भी नीम बेस्ड जो दवाई है, निम्बिसिडीन है, अचूक है, नीम की जो भी मिलती है, 1 किलो दवाई जो है वो आपको पूरी रहेगी, उसका आप छिड़काव करें तो उस पर काफ़ी काबू आ जाएगी। दूसरा एक सबसे बड़ा इसका फ़ायदा नीम का क्या है, जो इसकी नीम आधारित जो दवाई आप इस्तेमाल करेंगे, कि कुछ मित्र कीट होते हैं हमारे फसल में जी, वो मित्र कीट जो है उनको बढ़ावा मिलता है, जिससे कि वो दूसरे ऐसे कीट जो होते हैं जो फसल को नुकसान करते हैं वो उनको भी काबू कर लेते हैं। तो नीम बेस्ड जो है आप कोई भी एक दवाई लेके उसका छिड़काव कर सकते हैं, परंतु उससे पहले मैं ये कहूँगा कि एक बार फिर खेत पूरा जो है निरीक्षण करें, पूरे खेत को देखें, और सिरसा में अगर आप हैं तो सिरसा में आपके पास 2 सेंटर जो हैं कपास के, बहुत अच्छे सेंटर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है और कपास अनुसंधान केंद्र है, भारत सरकार का भी और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का भी, तो वहाँ भी आप जाके दिखा सकते हैं, उनके वैज्ञानिकों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, और डॉक्टर सिवाज और डॉक्टर बाना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो हमारे कॉल सेंटर के थ्रू हमारे पास आते हैं, और ऐसे ही कुछ प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न आया है हरियाणा से धर्मवीर जी का, और ये पूछना चाहते हैं कि कपास जो है वो 2 महीने की है, पत्ते सिकुड़ रहे हैं और फूल भी जड़ रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाए? नहीं देखिए, मैं जैसे बताया था कि पत्ते जो है सिकुड़ रहे हैं, जड़ रहे हैं, तो ये रस चूसने वाले जो कीड़े हैं जी, उन्हीं का थोड़ा प्रयोग प्रकोप हो सकता है। तो ये किसान भाई जो है एक बार उनको दिखा लें उनको, और जो रस जो दवाइयाँ आती हैं, इमिडाक्लोप्रिड है या जो डाइमिथियोटिक दवाइयाँ जो आती हैं, वो दवाइयों का प्रयोग वैज्ञानिक सलाह के अनुसार ही करें जी। तो कम से कम एक बार दिखा लें, इनके पास में ही जो सेंटर है, मैंने पहले भी बताया है, कपास अनुसंधान केंद्र हैं 2, वहाँ दिखा लें, क्योंकि ये जो इस वक्त जो है जो प्रकोप होता है कीट का, वो इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। जो बारिश आएगी, अब आ रही है, तो उससे थोड़ा सा वो है फसल में जो है वो जी रिकवर हो जाती है। जी बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हैं राजस्थान से, रामदेव जी, ये जानना चाहते हैं कि कपास 1 महीने से ऊपर का है और उसमें वो खरपतवार नियंत्रण की दवा छिड़कना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। नहीं देखिए, मैं किसान भाई को एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो है खरपतवार नियंत्रण की दवा छिड़कना नुकसानदायक रहेगा जी। जितनी निराई गुड़ाई करेंगे, जितनी होइंग वीडिंग करेंगे फसल के अंदर, उतना फसल को फायदा होगा जी। तो ये किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि निराई गुड़ाई करें, मैनुअल कल्टीवेट जो है प्रैक्टिसेस करें, कसोला चलाएं, या कुछ ऊँट से करते हैं, कुछ या बैल से करते हैं, या ट्रैक्टर से करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन जो है मैनुअल करें, दवाई छिड़कने से फसल को नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारा जो आखिरी प्रश्न है डॉक्टर सिवाच, वो हमें भेजा है मध्य प्रदेश से जगदीश यादव ने, और ये जानना चाहते हैं कि कपास जो है वो 1.5 महीने की है, उसमें मिलीबग की समस्या है, तो उससे निजात पाने के लिए क्या करें? हाँ देखिए, मिलीबग की आज से 3-4 साल पहले एक समस्या आई थी, और
एकदम जो उभर के आई थी। तो मैं सबसे पहले तो किसान भाई को एक बात कहना चाहूँगा और इनको मैं बताना चाहूँगा कि मिली बक्का एक परजीवी है NRCS बम्बा वाले के नाम से, और वो ज़्यादातर जो है जहाँ मिली बग होती है उसके आसपास ही आपको नज़र आ जाएगा। और उसकी पहचान सबसे बड़ी ये है कि अगर मिली बग जो है जिस पौधे पर लगी हुई है, अगर मिली बग को आप देखेंगे तो वो जो मिली बग ज़्यादातर सफ़ेद रंग की होती है या मटमैले रंग की होती है, परंतु अगर वो परजीवी वहाँ पर उपलब्ध है तो उसका जो रंग है थोड़ा ज़्यादा भूरा हो जाएगा, जैसे कोका कोला टाइप जो रंग है उसका रंग हो जाएगा। अगर वो किसी भी मिली बग का रंग ऐसा हुआ हुआ है तो मैं किसान भाई को ये कहूँगा कि कोई दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है, वो जो परजीवी है वो अपने आप उसको संभाल लेगा। फिर भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो एक प्रोपेनफास के नाम से दवाई आती है, वो 3 ml प्रति लीटर। और एक इसमें खास चीज़ ये देखने वाली बात यह है कि वो पौधे के ऊपर छिड़कनी है, ये नहीं पूरे खेत में छिड़काव नहीं करते कभी भी इसका मिली बग के लिए, जिस पौधे पर आती है उस पौधे पर ही छिड़काव करें उसके आसपास, ताकि वो दूसरा जो है ना जाए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो इससे ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ कर या तो बहुत गहरा दबा दें जी, या उसको जला दें, क्योंकि ये पानी के द्वारा या खेत में जो है घास वगैरह है उसके द्वारा ये दूसरी जगह भी जा सकता है। और खेत में जो है वो निराई गुड़ाई करते रहें, जिसको एक क्लीन कल्टीवेशन हम कहते हैं, जिसके कारण के इसका आगे प्रकोप ना बढ़े। जी बिल्कुल। तो देखिए हमारे तीनों जो कॉलर हैं कॉल सेंटर के, उनके सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने विस्तारपूर्वक दे दिए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो उनके सुझावों को अमल में लाएंगे और अपनी फसल को जो है स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाला बनाने में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और डॉक्टर बाना, अब आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने जाना कि खरपतवार नियंत्रण के बारे में, कपास की फसल के बारे में, अब हमें जानकारी दें चारा फसलों की जब हम खेती करते हैं तो उसमें भी खरपतवार आ जाते हैं, उनमें नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। जी, चारा फसलों में आमतौर पर देखा जाता है कि किसान भाई जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें तो वानस्पतिक वृद्धि चाहिए, जो खरपतवार होते हैं उनको भी खिला देंगे पशुओं को, और वो चारे वाली जो भी फसलें हैं उनमें भूल ही जाते हैं कि खरपतवार नियंत्रण करना है। और उससे क्या होता है कि जो हमारा उत्पादन है चारे का वो विपरीत रूप से प्रभावित होता है और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चारे वाली फसलों को शुरू में खरपतवार मुक्त रखें, कम से कम शुरू के एक महीने से लेके 35-40 दिन की अवस्था तक यदि आप चारे वाली फसलों को खरपतवारों से मुक्त रखेंगे तो आप उनका उत्पादन भी अच्छा ले पाएंगे और जो फसल है उसकी वृद्धि भी अच्छी होगी। इसके लिए जब फसल 20 दिन के आसपास की अवस्था तक पहुँच जाए तब एक निराई गुड़ाई जरूर कर देनी चाहिए ताकि खरपतवारों का प्रकोप नहीं हो। किसी वजह से आपको लगता है कि आप निराई गुड़ाई नहीं कर पाएंगे तो उस दशा में जब शुरुआती अवस्था में फसल की बुआई करते हैं तभी आप पेंडीमिथैलिन 750 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देते हैं बुआई के बाद और अंकुरण से पूर्व। तो उससे क्या होता है कि जब कटाई लेंगे उस तक के समय में 50 दिन का समय होता है तो उसका जो जहर होता है उसका नुकसान पशुओं को नहीं होता है, और ऐसी दशा में आप एक सेफ और सुरक्षित चारा आप पशुओं को खिला सकते हैं। परंतु खड़ी जो फसल है उसमें दवाइयों का प्रकोप नहीं करना चाहिए, क्योंकि दवाई के बाद तुरंत बाद यदि हमने कटाई कर ली तो वो जो विष है वो पशुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हाथ से निराई गुड़ाई करना ही अधिक लाभप्रद है, उससे खरपतवार तो नियंत्रित होंगे ही, इसके अलावा जो वायु संचार है पौधों की जड़ों में वो भी उसमें भी वृद्धि होगी, और पौधों की जड़ों में वृद्धि होने से जो खनिज लवण है पोषक तत्व जो हैं उनका भी अच्छे से शोषण कर पाएंगे और हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा हमें मिलेगा। जी बिल्कुल, बात हो गई चारा फसलों की खेती के बारे में। आपके पास आना चाहेंगे डॉक्टर सिवाज, अंत में आपसे कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि जो कपास की खेती है इसे हमारे किसान किस प्रकार लाभकारी बना सकते हैं आपके लिए, इसके अपने लिए इसके बारे में बता दें। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए जी, जो विशेषज्ञ हैं हर ज़िले में हर प्रांत में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं उनके अनुसार जो है क्रियाएँ करें, चाहे वो एग्रोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या दवाई छिड़कनी है या कोई भी कीट प्रबंधन है, खाद प्रबंधन है, पानी प्रबंधन है, वो उनके अनुसार करें। अंधाधुंध कीटनाशकों का खाद का प्रयोग ना करें, खाद अगर ज़्यादा डालेंगे तो पौधे में जो है वो ज़्यादा हरा नज़र आएगा, उसमें कीट ज़्यादा आकर्षित होंगे।
तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं बरत के जी। फिर दूसरी बात, अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा किसान भाई को, अभी तो समय दूर है परंतु फिर भी जब कपास फसल की जब चुगाई पे आ जाती है, जब चुनाई पे आ जाती है, तो उस वक्त भी थोड़ा ध्यान दें कि उस फसल में ज़्यादातर जो है मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो ज़्यादा। और अगर आप सवेरे चुगते हैं उसमें लगता है कि आपको ओस ज़्यादा लग रही है, तो उसको सुखा के सुखा लें दिन में और शाम को उसमें रख लें, क्योंकि ज़्यादा नमी वाली कपास को अगर आप भंडारण करेंगे तो उसके अंदर इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाएगी कि वो झुलस सकती है और कपास की गुणवत्ता खराब हो सकती है। तो मैं तुम्हें किसान भाई को एक ही बात जरूर कहूँगा कि विशेषज्ञ की सलाह अनुसार दवाइयाँ छिड़कें, खाद नियंत्रण करें, तो कोई ऐसी शक नहीं है कि आप अपनी फसल से पूरा लाभ ना ले पाएं। जी बिल्कुल, तो देखिए कितनी अच्छी बात बताई है हमारे विशेषज्ञ ने कि कैसे आप विशेषज्ञों की सलाह से अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं और इसे अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों बहनों, हमारे कॉलर्स तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम जो कि आधारित था चारा फसलों की खेती और कपास फसल प्रबंधन के ऊपर। आइए आपको कल के कार्यक्रम का जो विषय है वो बता देते हैं। कल के कार्यक्रम का हमारा विषय रहेगा ब्यांत के समय पशु प्रबंधन और पशुओं में कृत्रिम अंग इलाज। जी हाँ, ब्यांत के समय पशु प्रबंधन और पशुओं में कृत्रिम अंग इलाज, ये हमारे कल के कार्यक्रम का विषय रहेगा। इन विषयों से संबंधित आपके पास जो भी सवाल हैं आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। जी हाँ, hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे साथ फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर जाइए और हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, और वहाँ पर हमारे पेज पर अपने खेत की फोटो, वीडियो या फिर अपने जो सवाल हैं, सुझाव हैं, वो आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे डीडी किसान कॉल सेंटर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। उसका नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न उस पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और यहाँ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें हमारे कार्यक्रम में हम शामिल करें और उनके जवाब आप तक पहुँचा पाएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे आपसे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।